हेलो एंड वेलकम। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि साइटिक्स काडा का कम्युनिकेशन यूनिटी प्रो एक्सेल सॉफ्टवेयर के साथ कैसे किया जाता है। अदरवाइज आप ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर आपके पास स्नाइडर का कोई पीएलसी है M340 या फिर M580, उसका कम्युनिकेशन आप साइटिक्स काडा के साथ कैसे कर सकते हैं विथ द हेल्प ऑफ OFS कॉन्फ़िगरेशन टूल, यानी कि विथ द हेल्प ऑफ OPC सर्वर। ठीक है, सो सबसे पहले हम यूनिटी प्रो एक्सेल करके जो सॉफ्टवेयर है स्नाइडर के लिए, उसमें हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे एंड देन हम अपना सैम्पल PLC प्रोग्राम लिखेंगे। ठीक है, सो ये थोड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर है तो ये थोड़ा सिस्टम में लोड देगा, सो आपको यहाँ पे पेशेंस रखना है। ठीक है, सो अभी हम ये वाला PLC लेते हैं, BME 583020। ठीक है, यहाँ पे एज अ सैम्पल PLC ले रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास कोई हार्डवेयर PLC अवेलेबल नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पे सिमुलेटर का यूज़ करेंगे कम्युनिकेशन करने के लिए। सो यहाँ पे मेरा प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, अगर कोई एरर आता है तो उसे आप अभी इग्नोर कीजिए। ठीक है, सो अभी हमारा ये PLC सिस्टम में लोड हो गया। नाउ अब हमें जाना है प्रोग्राम क्रिएट करने। सो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट ब्राउजर के नीचे प्रोग्राम दिखेगा, उसके अंदर आएगा टास्क एंड उसके अंदर आएगा मस्त। ठीक है, एंड उसके अंदर आएगा सेक्शन। तो इस सेक्शन पे आप प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। सो राइट क्लिक करके क्लिक कीजिए न्यू सेक्शन, एंड हमारा जो लैंग्वेज रहेगा प्रोग्रामिंग का वो रहेगा लेडर लॉजिक। सो यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट करना है हमें लेडर लॉजिक, एंड हमारे लॉजिक का जो नाम होगा वो होगा टेस्ट लॉजिक। ठीक है, सो ये हमारा स्पेस आ गया जहाँ पे हम प्रोग्राम बना सकते हैं। सो हम यहाँ पे एक सैम्पल प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए। ठीक है, तो ये हमारा ये वाला हमारा होगा स्टार्ट बटन। ठीक है, एंड ये हमारा होगा स्टॉप बटन, ये हमारा होगा आउटपुट, एंड अगेन हमें यहाँ पे आउटपुट को लैच करना है। सो अगेन यहाँ पे हमारा आएगा आउटपुट। ठीक है, सो ये हमारा सैंपल प्रोग्राम यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब हमें अगर कम्युनिकेट करना है तो फिर हमें इस सॉफ्टवेयर को उसके लिए कंपेटेबल भी करना होगा एंड PLC को भी उसके लिए कंपेटेबल करना होगा। तो यहाँ पे आप टूल्स में जाइए, प्रोजेक्ट सेटिंग, एंड यहाँ पे PLC एम्बेडेड डेटा में जाइए, एंड यहाँ पे डेटा डिक्शनरी का ऑप्शन जो है उसे आप टिक कर दीजिए, एंड यहाँ पे जो ओनली HMI वेरिएबल्स है उसे भी आप टिक कर दीजिए, एंड ऑप्टिमाइज डेटा ऑनलाइन चेंज। ठीक है, ये तीन जो अनटिक थे बॉक्सेस उसे आप टिक करके यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दीजिए, एंड देन हमारा यहाँ पे प्रोग्राम तो बन गया। तो उसके लिए अब उसे PLC में लोड करने के लिए, यानी कि सिमुलेटर में लोड करने के लिए आपको बिल्ड करना होगा इस प्रोजेक्ट को। ठीक है, सो यहाँ पे आपको बिल्ड में ऑप्शन दिखेगा रीबिल्ड ऑल प्रोजेक्ट। सो उस पर आप जब क्लिक करोगे तो हमारा पूरा प्रोजेक्ट बिल्ड एंड एनालाइज होगा, एंड जो भी एरर होगा वो हमें यहाँ पे दिख जाएगा, लेकिन अभी हमारे पास कोई एरर नहीं है। ठीक है, सो हमारा ये प्रोग्राम ठीक है। अब PLC के साथ हम कनेक्ट करते हैं, एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट, यानी कि जो सिमुलेटर में प्रोग्राम है एंड हमारा जो प्रोजेक्ट में प्रोग्राम है वो डिफरेंट है। ठीक है, सो हम प्रोजेक्ट का प्रोग्राम सिमुलेटर के PLC में ट्रांसफर करते हैं, तो ट्रांसफर प्रोजेक्ट टू PLC। ठीक है, एंड अभी हम PLC में प्रोजेक्ट को ट्रांसफर करने के बाद हमें उसे रन करना है सिमुलेटर को। सो ये वाला बॉक्स आपको यहाँ पे टिक करना रहेगा। सो नाउ क्लिक ऑन ट्रांसफर, यहाँ पे ओके कर दीजिए, एंड आपका जो प्रोजेक्ट है वो ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कंफर्म रन। अभी हमने एक चीज यहाँ पे भूल गए हैं, सो आपको यहाँ पे डिस्कनेक्ट करना है, एंड देन आपको यहाँ पे एलिमेंट्री वेरिएबल में जाना है। अगर हमें ये वाले जो हमने तीन वेरिएबल बनाए हैं उसे हमें स्काडा से एक्सेस करना है, यानी कि चेंजेस करना है, ऑन ऑफ या फिर कुछ राइट करना है, तो यहाँ पे HMI वेरिएबल का ऑप्शन है वो टिक होना चाहिए। ठीक है, सो डू यू कंफर्म द मॉडिफिकेशन, यस, यहाँ पे भी आपको टिक करना है, एंड यहाँ पे भी तीनों तीन वेरिएबल है उसे आप टिक करेंगे, रीबिल्ड ऑल प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ पे हमने
अगेन पूरा प्रोजेक्ट बिल्ड कर लिया, देन अगेन कनेक्ट किया सिमुलेटर के साथ एंड देन ट्रांसफर प्रोजेक्ट टू पीएलसी। ठीक है, सो हमारा सारा प्रोजेक्ट पीएलसी में ट्रांसफर हो गया, जो कि पीएलसी एज अ हमारा सिमुलेटर है। ठीक है, कंफर्म रन, ओके। ठीक है, हमारा पीएलसी रन मोड में है एंड हमारा जो आईपी एड्रेस है सिमुलेटर का वो है 127.0.0.1। ठीक है, अब हमें ओएफएस कॉन्फ़िगरेशन टूल में जाना है, सो क्लिक ऑन ओएफएस कॉन्फ़िगरेशन टूल, यहाँ पे वो ओपन होगा एंड देन हमें यहाँ पे जो भी नाम है वो यहाँ पे स्पेसिफिक नेम रखना है, क्योंकि ये नेम आपको फ्यूचर में काम आने वाला है। एंड देन डिवाइस एड्रेस में आपको यहाँ पे जो पीएलसी का एड्रेस है 127.0.1 वो यहाँ पे टीसीपीआईपी में रखना है एंड देन ओके। ठीक है, एंड यहाँ पे आपका आएगा यूजिंग डेटा डिक्शनरी। अब यहाँ पे हम डिफॉल्ट भी रख सकते हैं, हमें कोई यहाँ पे इश्यू नहीं है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर दीजिए एंड इसे मिनिमाइज, इसे भी मिनिमाइज एंड देन हमें हमारा साइटेक्स काडा ओपन करना है। सो जैसे ही हम साइटेक्स काडा ओपन करते हैं हमारे पास एक साथ दो विंडो ओपन होती है। ठीक है, वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। सो जैसे ही आपका साइटेक्स काडा ओपन होगा यहाँ पे आपको दो विंडो दिखेगी, पहला है साइटेक्स स्टूडियो एंड सेकेंड है साइटेक ग्राफिक्स बिल्डर। अब जो ग्राफिक्स बिल्डर है उसमें आप अपनी स्क्रीन डिज़ाइन करोगे एंड यहाँ पे साइटेक स्टूडियो में आपका कनेक्शन वगैरह सब होगा। ठीक है, सो पहले हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, कम्युनिकेशन विथ यूनिटी। ठीक है, एंड देन बाकी जो डिफॉल्ट है उसे ऐसा ही रहने देते हैं एंड देन क्लिक ओके। अभी जो नया प्रोजेक्ट बना है उसे हमें एक्टिव करना होगा, सो उस पर आप क्लिक कर दीजिए तो वो एक्टिव हो जाएगा। सो क्लिक एक्टिव, अब हमारे पास यहाँ पे अब एक्टिव प्रोजेक्ट अवेलेबल है। अब हमें यहाँ पे जो साइड पैनल अवेलेबल है उसमें आपको टॉपोलॉजी में जाना है। ठीक है, सो गो टू टॉपोलॉजी एंड देन यहाँ पे हमें जाना है आईओ डिवाइसेस में। अब आईओ डिवाइसेस में हमें ऐड न्यू डिवाइस करना है। ठीक है, सो क्लिक ऑन न्यू डिवाइस, ये हमारा प्रोजेक्ट का नेम है एंड देन आईओ सर्वर, उसे आप ऐसा ही रख दीजिए या फिर चेंज भी कर सकते हैं। क्रिएट अ न्यू आईओ डिवाइस, इसका नाम भी आप चेंज कर सकते हैं लेकिन मैं अभी एज इट इज रखता हूँ। ठीक है, सो अगेन नेक्स्ट, ओपीसी फैक्ट्री सर्वर एंड हमारा सॉफ्टवेयर कौन सा है, ओएफएस ओपीसी। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ये सिलेक्ट करके रखा है एंड देन अगेन नेक्स्ट। अब यहाँ पे जो एंटर पीएलसी एलाइसिस हियर, ठीक है, यहाँ पे जो ये नेम आपने रखा है वो नेम आपको यहाँ पे रखना है। ठीक है, सो यहाँ पे हमने कॉपी पेस्ट कर दिया एंड देन नेक्स्ट। एंड अगर आप डेटा डिक्शनरी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको टिक करना रहेगा एंड देन ब्राउज एंड यहाँ पे आपको डाउन करना है, मतलब ओपन करना है एंड देन यहाँ पे आपको पीएलसी मिल जाएगा। ठीक है, ओपीसी कम्युनिकेशन के साथ जो हमने पीएलसी किया था वो, एंड यहाँ पे आपका जो ओपीसी फैक्ट्री सर्वर है वो बैकग्राउंड में रन होना चालू हो जाएगा। सो क्लिक ऑन ओके एंड देन ऑटोमेटिक रिफ्रेश ऑफ टेक्स्ट को आप हटा दीजिए एंड देन नेक्स्ट एंड देन फिनिश। ठीक है, सो 51 ओपीसी टैग आर इम्पोर्टेड, यानी कि 51 जो टैग है पीएलसी से वो स्काडा ने इम्पोर्ट कर लिया है। ठीक है, अब आप देखना चाहते हैं सारे टैग्स को तो यहाँ पे यस क्लिक कीजिए, अगर नहीं देखना है तो यहाँ पे नो क्लिक कीजिए। ठीक है, सो सारे टैग्स यहाँ पे आ गए। अब कितने कितने टैग्स आए और कौन से टैग आए अगर वो देखना है तो अगेन यहाँ पे जो साइड पैनल है उसमें आप सिस्टम मॉडल में जाइए, सिस्टम मॉडल एंड यहाँ पे आपको वेरिएबल्स करके दिखेगा। ठीक है, सो वेरिएबल्स, अब हमने जो पीएलसी में प्रोग्राम किया था उसमें हमारे कितने वेरिएबल थे, तीन, स्टार्ट बटन, स्टॉप बटन एंड आउटपुट, वो हमें यहाँ पे मिल गए, स्टार्ट बटन, स्टॉप बटन एंड आउटपुट। लेकिन जब भी हम यूनिटी प्रो में कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं या फिर कोई भी लॉजिक बनाते हैं उसके जो ये वाले नेम होते हैं वेरिएबल नेम, वो यहाँ पे सेम नहीं आते। यहाँ पे आपने जो नेम लिखा होगा पीएलसी उसके बाद अंडरस्कोर करके सारे वेरिएबल के नेम आते हैं, देख लीजिए, पीएलसी अंडरस्कोर स्टार्ट अंडरस्कोर बटन, स्टार्ट अंडरस्कोर बटन है वो हमारा यूनिटी
प्रो एक्सेल का टैग है, ठीक है, स्टार्ट अंडरस्कोर बटन। लेकिन उसके आगे जो पीएलसी अंडरस्कोर है वो यहाँ से प्रीफिक्स आता है, ठीक है, वो इनबिल्ट है, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। और जो पीएलसी का एक्चुअल एड्रेस है वो यहाँ पे दिखेगा, स्टार्ट बटन, स्टॉप बटन एंड आउटपुट, एंड उसका डेटा टाइप है वो डिजिटल यानी कि बुलियन है, ठीक है। सो इस तरह से हमारे जो पीएलसी के टैग्स है वो यहाँ पे आ गए। अब हमें कुछ चेंजेस करना है, तो फिर हम चेंजेस कैसे करेंगे, यानी कि अगर हमें कोई चीज़ देखनी है कि पीएलसी में अगर कुछ ऑन ऑफ हुआ हमारा, बट सपोज ये हमने सेट वैल्यू किया 1, ठीक है, तो हमारा आउटपुट ऑन हुआ, तो अगर हमें उसे साइटेक में देखना है तो वो हम कैसे देखेंगे, तो हम यूज़ करेंगे साइटेक ग्राफिक्स बिल्डर, ठीक है। सो ये रहा हमारा साइटेक ग्राफिक्स बिल्डर। सो अब हमें यहाँ पे स्क्रीन बनाना है, ठीक है। सो स्क्रीन बनाने के लिए पहले आप न्यू पे क्लिक कीजिए एंड देन पेज, एंड यहाँ पे आपको एक, आप जो भी पेज चूज़ करना चाहे वो आप चूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल ब्लैंक पेज यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। सो ब्लैंक पेज एंड देन यहाँ पे आपको सिंबल सेट मिलेगा, ठीक है। सो सिंबल सेट, ठीक है, यह है मेरा सिंबल। अब सिंबल कब ऑन होगा और ऑफ होगा उसके हिसाब से यहाँ पे कौन सा इंडिकेशन आएगा वो हमें चूज़ करना है, ठीक है। सो पहले तो हम सिंबल को चूज़ कर लेते हैं, हमें थोड़ा, मैं थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ राउंड, इसलिए आपको पता चले, ठीक है। रेड, जब भी हमारा आउटपुट ऑफ होगा यहाँ पे तो यहाँ पे क्या शो करना चाहिए, रेड, एंड जब भी हमारा आउटपुट ऑन हो तब क्या शो करना चाहिए, ग्रीन, ठीक है। सो ग्रीन। अब ऑन सिंबल व्हेन, अब ऑन कब होना चाहिए कि जब हमारा जो कि ये वाला पीएलसी का आउटपुट है वो इज इक्वल टू 1 हो, तब हमारा क्या होगा, ऑन। तो इसे आप यहाँ से कंट्रोल सी करके कॉपी कर लीजिए एंड देन यहाँ पे पेस्ट इज इक्वल टू 1। अगर पीएलसी आउटपुट इज इक्वल टू 1 हुआ तो वो ग्रीन शो करेगा, ठीक है, एंड पीएलसी आउटपुट अगर 0 है तो वो रेड शो करेगा। तो इसे आप ओके कर दीजिए, सेव कर दीजिए, ठीक है, कम्युनिकेशन विद यूनिटी में टेस्ट पेज, ठीक है। अब उसके बाद आप इसे रन कर दीजिए, ये ऑटोमेटिक कंपाइल हो जाएगा, ठीक है, और थोड़ा टाइम लगेगा कंपाइल होने में, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली रन होना चालू हो जाएगा। कंपाइलेशन सक्सेस। सो यहाँ पे आपको अपना स्काडा स्क्रीन थोड़ी देर में दिख जाएगा। ठीक है, अभी हमारे पास कोई लाइसेंस की नहीं है तो हमें यहाँ पे डेमो मोड में रन करना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो हमारा सिंबल था वो ग्रीन कलर का हो गया, क्योंकि हमारा ये जो आउटपुट है वो ऑलरेडी ऑन है। अगर मैंने यहाँ पे इसे ऑफ कर दिया, सेट वैल्यू टू 0, लेकिन फिर भी वो ऑन है क्योंकि हमने हमने यहाँ पे ऑलरेडी लेच करके रखा हुआ है। सो इसका वैल्यू हमने हमें 1 करना रहेगा, ठीक है। अब हमारा आउटपुट यहाँ पे ऑफ हो गया तो ये भी रेड हो गया, ठीक है। सो इस तरह से आप यूनिटी एंड जो साइटेक्स काड़ा है उसके बीच में कम्युनिकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओपी ओएफएस कॉन्फ़िगरेशन टूल। एंड ओएफएस कॉन्फ़िगरेशन टूल बैकएंड में क्या यूज़ कर रहा है, ओपीसी फैक्ट्री सर्वर, ठीक है। सो इस तरह से इन दोनों का कम्युनिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।